दम कर रहा है यूं करके, वो बाबा कहीं और किसी और वीडियो में दम दम कर रहा है, यूं कर रहा है, एकदम से इलेक्शन का रिजल्ट दिखा रहा है, वो यूं करता है, वो इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हो रहा है, फिर यूं करता 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 फिर उधर इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ। मैं तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ रोज, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने माँ बाप को भी खुश रखें, आप भी खुश रहें। हम चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि कल संडे वाले दिन एक दोस्त आए थे मिलने के लिए, तो आपकी वीडियो देख रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जब भी सलाम करें, हम जिनको सलाम कर रहे होते हैं हम उनको देखें, जिनको सलाम कर रहे हैं, जैसे हम लोग बाद दफ़ा मैं भी ऐसे नीचे देखते ना, ओके चलिए, ये गलती कहते हैं जब जिनसे बात कर रहे होते हो तो आप कैमरे की तरफ देखें ताकि उनको लगे कि हमसे बात हो रही है। अच्छा, नहीं नहीं, क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हम आपसे ही बात कर रही होती, मेरे आगे कोई भी नहीं है, आप ही हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है कॉमेडी नेवर एंड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कॉमेडी ख़त्म ही नहीं होती, क्या ऐसा सच है? बिल्कुल, हम भी तो कॉमेडी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सियासत आए रोज हम देखने को कोई नया रुख इख्तियार कर रही है, कहीं पे इत्तेहाद बन रहे हैं, कहीं पे इत्तेहाद टूट रहे हैं। तेरा क्या होगा कालिया? 8 फरवरी के इलेक्शन पाकिस्तान को नहायत सेंसिटिव हालात की तरफ ले जा रहे हैं। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं, तो फिर होगा क्या? मुल्क भर में हड़तालें हो रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट एंड आर्मी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये बातचीत चल रही है कि किस तरफ ऊंट करवट लेटेगा और कौन बनेगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। इमरान खान की पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। बाबा! अब दोस्तों ये तो आम चर्चा है कि बनना है नवाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान के जो चुनाव हैं वो रहते हैं फिक्स्ड, आर्मी चीफ डिसाइड करता है, जनरल आसिम मुनीर का फैसला है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मुल्की तारीख के मुतनाज तरीन इंतखाबात होने जा रहे हैं, मरेरा मरेरा, जहां मुतनाज इंतखाबात हो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, देश संकट में है। तीनों बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। अल्लाह तौबा, पाकिस्तान में एक इमेज क्रिएट हो गया पूरी दुनिया में कि इस मुल्क में इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन होती है। अच्छा, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। तो लोग कहते हैं, ये फॉरेन मीडिया कह रहा है, फॉरेन थिंक टैंक्स कह रहे हैं, जिनको मैं कोट करूंगा अभी थोड़ी देर में, वो लोग क्लियरली कह रहे हैं कि साहब ये जो बंदा है नवाज शरीफ, ये चौथी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेगा पाकिस्तान की। तो जो वजीर आजम बनते हैं उसके गले में भी जो है एक कटोरा लटका दिया जाता है कि बेटा यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। का यूएस भी कह चुका हुआ है, यूएस पार्लियामेंट ने इसको कंडेम कर दिया है कि आपने जो इलेक्शन कराए हैं वो बहुत ज्यादा मतनाज है, पूरी दुनिया में आपके सुबकी हो चुकी हुई है, और फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। हमने क्या सारी जिंदगी मांगते रहना है? यानी मतलब ये वही बात है ना कि हम ये हालात दिखाकर दुनिया को बाद में कहेंगे जी हमें पैसे दे दे, हमारे पास पैसे नहीं है। कथोरा लेकर घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी। जो हमारी बदनामी इस वक्त इंटरनेशनल फोरम पे हो रही है, दुनिया थूथू कर रही है अतू, 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 अतू। कि पाकिस्तान के अंदर क्या कॉमेडी चल रही है। कमेंट बॉक्स में हमें ये आ रहा है कि हमने कपिल शर्मा शो देखना बंद किया, अब सिर्फ हम पाकिस्तान को देखेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जब हमारे पास में पाकिस्तान है तो हमें कपिल शर्मा शो देखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तान यहाँ पे मनोरंजन का इतना कंटेंट देते हैं, तो मुझे तो ये लगने लग गया ये पाकिस्तान बना ही हिंदुस्तानियों के मनोरंजन के लिए था। अब ये तो जो ऊपर बैठे हैं ये चीज उनको सोचनी चाहिए कि इंटरनेशनली, और देखें यूएस ने भी रिकॉग्नाइज करने से कांग्रेस ने मना कर दिया कि आप ये इलेक्शन ना रिकॉग्नाइज करें, कि हम कितने जलील हो रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और एहसास हो रहा है वो कौम को तो एहसास है, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं उनको इस चीज का बिल्कुल एहसास नहीं, उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि ये हमारी क्रेडिबिलिटी से कितनी इफेक्ट होगी। और हमने क्या सारी जिंदगी मांगते रहना है? यानी मतलब ये वही बात है ना कि हम ये हालात दिखाकर दुनिया को बाद में कहेंगे जी हमें पैसे दे दे, हमारे पास पैसे नहीं है। मांगने की तैयारी हो रही है जी, बिल्कुल, एक तरह से बिल्कुल
मांगने की तैयारी है, और जो भी गवर्नमेंट बनेगी इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बेशक ये पीटीआई की बन जाए। वोट मैंने भी इमरान खान को दिया था। अच्छा। लेकिन जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है वो गवर्नमेंट जो भी है साल डेढ़ से ऊपर चल ही नहीं सकती, चाहे वो पीडीएम मिलकर बना लें या इमरान खान बना लें। सर ये देखिए 77 सालों की तारीख है कि इस मुल्क में 5 सालों में 3 वज़ीर-ए-आज़म आते हैं, और जो आए हैं अगर उनका गूगल करें तो उनके फोटो के सामने आएगा ये कैद हो गया है, ये जलावतन हो गया है, इसको हैंग आउट कर दिया गया है। मतलब जो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं उसके गले में भी जो है एक कटोरा लटका दिया जाता है कि बेटा यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओ। इसका ना सिर्फ एक ही हल है जो हमारी आवाम ने करना है, जो तुर्की ने किया था। तुर्की ने क्या किया था जरा बताएं। उधर उनकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उसने मिलिट्री कू के जरिए कब्जा करने की कोशिश की थी, उधर की आवाम जाग उठे थे, लोग सड़कों पर आ गए थे, टैंकों के आगे लेट गए थे, उनकी उधर की पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया था, यहाँ तो पुलिस एज अ पपेट काम कर रही है। हमारे कमेंट्स या हमारी वीडियोस इंडिया तक भी जाती हैं, वो कहते हैं हाथ जोड़ते शुक्र अल्लाह का कि पाकिस्तान बन गया था, अगर ये अवाम हमारे साथ रहती तो हमारे मुल्क का भी यही हाल हो जाना था। लेकिन इंडिया जो है बात ठीक है, उधर इलेक्शन होते हैं कोई ऐसी खबर नहीं आती है। अभी 3 स्टेट के इलेक्शन हुए, 2 में बीजेपी की विक्ट्री आई है, ठीक है अनाउंस हो गया, कोई हड़ताल नहीं हुई, किसी ने नहीं कहा मेरा मैंडेट चोरी, कोई ऐसा मजाक ना अमेरिका ना यहाँ पर यूएन आया, कोई भी नहीं आया, और जो लोगों ने अपनी विक्ट्री जो है सेलिब्रेट की। जो वजीर आप देखे 10 साल उनके जितने भी वजीर आजम है, किसी ने 15 साल हुकूमत की, किसी ने 10 साल हुकूमत की। अगर अब की बात करें बीजेपी को 10 साल हो गए, तीसरी टर्म 2 स्टेट वो जीत चुकी है, आगे भी जीतेगी, तो हर वजीर आजम 15 साल पूरा करता है, 10 साल तो करता ही करता है। इधर मैंने आपको पहले भी बताया ना कि इधर सबको अपने इक्तदार की हवस है, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, सबको, तो कोई किसी को काम करने देता नहीं है। और जब तक ये खींचने में आगे में माहिर है, जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं होगा हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हम 8 फरवरी को क्यों तमाशा किया कि इलेक्शंस हो रहे हैं, जब निज़ाम ही नहीं बदलना तो फिर वोट डालने का क्या मकसद है। 8 फरवरी को ऐसे नहीं, आवाम जरूर निकली और उन्होंने जरूर बताया कि हमने अपना मैंडेट किसको दिया है, लेकिन जो ऊपर बैठे क्यों आज तक, ये देखें जी 11 फरवरी हो गई है, रात के 12 बजने वाले हैं, 12 फरवरी शुरू हो जाएगी, तो अब तक क्यों पूरी सीट्स के रिजल्ट नहीं आए, इसका जवाब दे कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या एस्टेब्लिशमेंट है, कौन जवाब देगा इसका, या ये गैर आइनी निगरान हुकूमत जो है। आपको लगता है कुछ सिविल वॉर जैसी सूरत हाल है, फिर हड़तालें होंगी, धरने होंगे, जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर हड़तालें होंगी, पार्लियामेंट नहीं बनाने दी जाएगी, और जब मुल्क में इलेक्शंस होते हैं तो बड़ा एक सुनहरा मौका होता है कि यार बाहर से कोई विजिट करने आएगा, कोई बाहर का प्रेसिडेंट आएगा, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई इस पाकिस्तान में, अब तो मैं ये कहूंगी कोई अमरीकी जहाज भी नहीं आता यहाँ पे, अल्लाह ना करे पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जाए, लेकिन जो है जज्बाती हो रही है ना, जज्बाती है, लेकिन अपना पूरा मैंने एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाए, और एहतजाज के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो वो 9 मई सान या 9 मई वाला जैसा कुछ सीन होगा, और इससे बचना चाहिए। इनको ना बांग्लादेश से कुछ सबक सीखना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह इस मुल्क से लैदा हो के वो खुशियां मनाई, अब हमारे पास रह क्या गया है। एक चीज़ है कि इस साल जो इलेक्शंस हुए हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को पसंद किया जा रहा है कि यार इन लोगों के अंदर जमहूरियत का जो एक नशा है वो दिखने को मिल रहा है। अच्छा, अब ये गुलामी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हुकूमत उसी की बनेगी जिसको अमरीका हाँ बोलेगा। देखिए हर बंदे को पता है, वो क्या कहते हैं कि गरीब गरीब होता है और अमीर अमीर होता है। अच्छा। हर बंदे को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस आपकी गवर्नमेंट पे हमेशा से रहा है और है और अभी भी है। अभी भी देखे ना इंटरनेशनल मीडिया क्या कर रहा है आपके साथ, वो आपको बेनकाब कर रहा है, वो आपको मजीद गंदा कर रहा है। ऐसा ही है, ठीक है, आपका इंडिया है, आपका नेबर, आपको पता है वो आपका दुश्मन भी है सबसे बड़ा, लेकिन वो आप पे हंस रहे हैं, वो शुगर लगा रहे हैं कि ये देखो ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अभी इलेक्शन और सिलेक्शन पे क्या कहें? मैम इलेक्शन और सिलेक्शन पाकिस्तान की सारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसी पे बेस करती है। पाकिस्तान में एक इमेज क्रिएट हो गया पूरी दुनिया में कि इस मुल्क में इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन होती है। अच्छा, ठीक है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बैलेट इज़ मोर पावरफुल देन बुलेट। खुदारा हमारी एस्टेब्लिशमेंट से हमारी गुजारिश है कि हमारे जमहूरी इकदार को जिंदा रहने दें, हमारे बैलेट को इज्जत दें, इधर बुलेट के राज को खत्म किया जाए, बैलेट की इज्जत जो है उसकी करवाई जाए, बैलेट के राइट को माना जाए, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है। तो आप मान रही है कि जो मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से जो जमात आई वही है जिसको जी डिसमेंटल किया गया। मैम देख लें, आज इलेक्शन कमीशन को अपनी 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 47 जो फॉर्म 47 है उसको विदड्रॉ करना पड़ा है। आखिर कुछ तो ऐसा इनसे ब्लंडर हुआ है कि इन्होंने ये विदड्रॉ किया। अभी कल हाई कोर्ट में जो पिटिशंस हुई हुई हैं, चैलेंज हुए हैं, उनका रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा कि वो क्या बनता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा, ये गवर्नमेंट, ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में होगा कि गवर्नमेंट बनते बनते दिल करे मार्च आ जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा रिजल्ट्स को चैलेंज किया गया और एक ले मैन भी जानता है कि यार रात 2 बजे एक बंदा 50,000 की लीड से जीत रहा है और 84% उसका पोल आ गया हुआ है, पिछले 16
परसेंट में वो बंदा 70,000 की लीड से जीत जाता है। और इवन मैम के अब कल रात का कराची में खुरम शेर जमान साहब, लाहौर में जो धहीरेबाज कोकर साहब हैं, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं कि उनके पास जो 45 फार्म का सबूत है उसे किसी तरह वापस ले लिया। तो ये कितना गलत हो रहा है ना? देखें यहाँ 45 फार्म को किस तरह जुटलाएंगे, एक खाली ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई है, सबसे बड़ी। और नून लीगी जो है वो भी कह रहे हैं यार ये गलत है, इतना गड़बड़। बयानिया है कि इस्टेब्लिशमेंट यूएसए से ऑर्डर लेता है, यूएसए के ऑर्डर के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट करती है। अब तो आपका यूएस भी कह चुका हुआ है, यूएस पार्लियामेंट ने इसको कंडेम कर दिया है कि आपने जो इलेक्शन कराए हैं वो बहुत ज्यादा मतनाद है, पूरी दुनिया में आपके सुबकी हो चुकी हुई है। सर उनका मीडिया पहुंच गया पाकिस्तान। दोबारा सोचें, इसको रिकंसीडर करें और थोड़ा सा ज़र्फ का मुदायरा करें, जिसको आवाम ने चुना है उसकी मेजॉरिटी को एक्सेप्ट करें। जनाब क्या कहना चाहेंगे, रिजल्ट अब तक नहीं आ रहे, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, आप किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? मेरा नाम नहीं लीजिएगा, किसी और का नाम ले सकते हैं। अल्लाह मेरे पास टाइम नहीं यार, बहुत मसरूफ़ चल रहे हैं, बहुत काम है इनके पास, सुबह से लेकर रात तक बेचारे काम काम काम, खाना हराम, जिंदगी हराम, काम तो क्या किसको देखना चाह रही है वैसे? no जितने भी जन लड़कियां मतलब लड़के हैं ज़्यादातर इमरान खान को पसंद करते हैं, नहीं मतलब और इमरान खान को लाना चाहते हैं। नहीं देखो ये तो बहुत वो हो जाएगा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो आए जो थोड़ी सी सस्ताई कर सके। मैं ये नहीं बोल रही कि इमरान खान आए या शहबाज आए या नवाज़ शरीफ आए या कुछ भी आए, मतलब एक्स वाई जेड जितने भी नाम हैं ये लोग, मैं किसी का भी फेवर में नहीं हूँ, मैं किसी के साथ ये नहीं बोलूँगी कि ये आए। मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि गरीबों का जो ख्याल करे ना, जो थोड़ी सी सस्ताई कर दे इस पाकिस्तान के अंदर, वो आए, जो ईमानदार हो, जो ईमानदार हो यार, थोड़ा सा एहसास करें, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत गरीब आवाम है इस वक्त। एक जुमला है, एक बात है जो पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा शख्स कह रहा है कि पाकिस्तानियों की आंखें खुल गई हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा था, हमारे साथ क्या क्या इशू चल रहे हैं, हमें किस तरीके से पीसा जा रहा था, इस मुल्क का जो निज़ाम चलाने वाले हैं किस तरीके से हमारे साथ गेम कर रहे थे। तो कहते हैं कि इमरान खान ने कुछ किया या नहीं किया, कम से कम लोगों की आंखें खोल दी हैं कि आवाम जागो, आप क्या कर रहे हो और आपके साथ हो क्या रहा है। तो मैंने ये सुना है, मैंने ये देखा है कि हर शख्स अब ये बातें कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म के इलेक्शंस हैं। एक शख्स रात तक जीत रहा था, अभी ऐसी सी मीम बनी हुई है कि बाबा जो है वो दम कर रहा है यूँ यूँ करके, वो बाबा कहीं और किसी और वीडियो में यूँ दम कर रहा है, यूँ कर रहा है, एकदम से इलेक्शन का रिजल्ट दिखा रहा है, वो यूँ करता है, वो इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हो रहा है, फिर यूँ करता 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 फिर उधर इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो बोला बाबे ने ऐसे ऐसे दम किए हैं कि सारे इलेक्शन के रिजल्ट, जो एक शख्स जीत रहा था रात तक जीत रहा था, सुबह देखते हैं तो वो जीता हुआ है, तो वो बाबा ने छू किया ना, तो बस ये सारे मसले बना लो। तो इतने लोग मतलब तमाशे बना रहे हैं, हमें देखते हैं, हमें भी इंतजार है। लेकिन एक चीज़ आपको कैसी लगी? क्या? कि अब हम कपिल शर्मा का शो नहीं देखते, हम पाकिस्तान की वीडियोस। तो आपको कितनी खुशी हुई ये सुन के? यार दुख भी होता है यार, हमारा मुल्क है, यार हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क में रहते हैं, कैसे गद्दारी कर सकते हैं, बट यार लेकिन दुख होता है कि अब हम आप पाकिस्तानियों की बातों से लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और पूरी दुनिया में इस इलेक्शन का मजाक उड़ रहे हैं। तो अफसोस होता है कि यार हालात बेहतर हों, हमारा मुल्क भी अच्छा है, हमारी आने वाली नस्लों का फ्यूचर अच्छा हो। बिल्कुल, तभी मैं शादी नहीं कर रही, शर्म आ गई, शर्म आ गई, बच्चों का मुस्तकबिल ना, कोई अच्छा नहीं मिल रहा ना, अल्लाह पाक मुझे कोई अच्छा सा मिल जाए जो मुझे समझे, जो मेरा ख्याल करे, मैं उससे शादी करूँगी। और हो सकता है कि बाहर जाके शादी कर ले, हो भी सकता है कि बाहर से कोई आए, अगर मुझे कोई बोले तो इंशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं, गरीब भी होगा तो चलेगा, नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि घोड़े पे बंडल ला रहे हैं, मगर बस मेरा ख्याल करने वाला हो, मुझसे प्यार करने वाला हो, मतलब इज्जत करने वाला, मतलब हसमों को खड़ूस ना हो, बस बस ये है मेरा ना आइडियल जो भी है, तो थोड़ा सा खूबसूरत, थोड़ा सा, थोड़ा सा खूबसूरत, नमक नमक थोड़ा सा सही, शर्म आ गई गाइस। चलो तो हम बाद में बात करेंगे, बदतमीज चलते हैं इस पे। कहाँ पे थे हम, कहाँ शादी के, मेरे पहुँचा दिया यार, पाकिस्तान से शादी में, शादी से बच्चों में, बच्चों के नहीं, बच्चे नहीं, बस यार मैं देखूंगी कहीं कोई बाहर मुल्क से मेरा कोई रिश्ता विश्ता आ गया तो मैं कर लूँगी शादी उससे। पाकिस्तान में तो
हालात तो गड़बड़ चल रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और दुआ करते हैं पाकिस्तान के हालात आगे चल के बेहतर हों। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।